सारे पार्ट को खोल दिया, साफ कर दिया अच्छे से। ये टोटल पार्ट को मैंने साफ कर लिया अच्छे से। अब इसको हम फिटिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये धातु वाला रड लगाएंगे इस तरह करके। तो हम क्या करेंगे, ये जो ये उषा में ऐसा ही रहता है, उषा मशीन है, लोकल मशीन नहीं है। लोकल मशीन में कुछ अलग तरीका से रहता होगा, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। देखिए उषा मशीन है, ये जो खांचा है, खांचा ऐसे रहेगी। देखिए यहाँ पे खांचा बना हुआ है, ये खांचा सामने की तरफ रहेगी। कभी भी अगर हमको इसको ढीला करना रहे तो इस पर ये खांचा पर मार के बाहर कर सकते हैं। तो हम ये खांचा को इस तरह रखेंगे, ये इस तरह रखेंगे। तो पहले हम इसमें फंसा लेंगे और दूसरा ये दांती रड को हम पहले दोनों तरफ एक जैसा ही छोड़ेंगे। ये देखिए हम इसको इस तरह बीच में पकड़ लेंगे, ना इधर हिलना है, ना इधर हिलने देना है, ना इधर हिलने देना है, और इसको हम टाइट कर लेंगे। और जो खांचा है वो बोल्ट है ना, वहाँ पे जाके खांचे में रुकेगी। इसमें थोड़ा आवाज रहना चाहिए, ज्यादा हिलना नहीं रहना चाहिए। और हम इसको भी साफ कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे राउंड फिरती है वहाँ पे साफ कर लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि मशीन जितना अच्छा साफ करेंगे उतना अच्छा हल्का चलेगी। नया मशीन लेने से तो क्या है, थोड़ा भारी चलती है, पुराना मशीन अच्छा चलती है क्योंकि बिल्कुल फ्री हो जाती है पुरानी मशीन। हम ये वाले इसमें फंसा लेंगे। पहले एक बोल्ट को हम पहले टाइट कर लेंगे ताकि एक बाजू से सपोर्ट मिल जाएगी हमको। ठीक है, एक बाजू से सपोर्ट मिल गए और इसको हम इतना भी रख लेंगे। दूसरा बोल्ट को हम इस तरह का लूजिंग भी चेक कर लेना है कि ज़्यादा टाइट नहीं रहे, ये आसानी से फिरना चाहिए। जब फिट करें तो सब बोल्ट को सही से टाइट करते रहिएगा। हम ये वाले रड को अब लगाएंगे जिसमें शटल बैठती है, लगाए में इसको लगा लेंगे। अगर ये जाम पड़े तो थोड़ा सा ये बाजू से ठोकिए तो ये फ्री हो जाएगी। और इसको तो क्या ये सेंटर अगर ना मिले तो इसको घुमाना है। अब ये देखिए दोनों का सेंटर मिल गया। तो क्या ये बीच सेंटर में नहीं, कहीं पे चौड़ा है कहीं पे पतला है।
एक तरफ का थोड़ा चौला है तो हम इस तरह रख लेंगे। तो मैंने ये रिपीट को ठोक दिया हूँ। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा जंग लगी हुई है क्योंकि ये राउंड फिरेगी, तो हम इसको साफ कर लेंगे। यहाँ पे ये जो खांचा दिख रही है आपको, तो ये मेन गोल चक्री है ना, इधर रखेंगे। ठीक है, और ये बोल्ट को इस तरह फंसा देंगे और हम इसको पहले फंसा लेंगे। और एक बार ऐसे फिराकर देख लेंगे और इसको भी फिराकर देख लेंगे, कहीं पे रुके ना। ठीक है, थोड़ा ये बाजू आएगी। इसमें अभी लूजिंग है, शटल को भी हम फिट कर लेते हैं। तो शटल ऐसे रहेगी, हम इस हिसाब से फिट कर लेंगे। और शटल का ये जो पट्टी है इसको हम साफ कर लेंगे। धार कहीं पे ना रहे। ये जो क्रॉस है ये ऊपर रहेगी, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस है, ये ऊपर रहेगी और इन नीचे बिल्कुल प्लेन है। एक बार फिर आकर देख लेंगे। इस तरह पकड़ लेंगे। ठीक है, फिर भी एक बार फिर इसको फिर आकर देख लेना है। तो ये जाम पड़ रही है, तो अभी ये फ्री हो गई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये चक्की रड लगा लेंगे। तो ध्यान से लगाएंगे, ये क्या बोलते हैं, ये हॉल और ये ऊपर का हॉल दोनों अपोजिट रहेगी, तो हम इस तरह सीधा रख लेंगे। तो इस तरह ये हॉल को तो हम सीधा रख लेंगे ताकि जब आयल डालेंगे तो ये हॉल दोनों हॉल मिल जाए। अब इसको हम पलटी कर लेंगे। अब
इसको यहाँ पे मारेंगे। ये जब तक ये अंदर जगह खाली रहेगी और आसानी से आवाज़ ऐसा बताएगी जैसे अभी और जाएगी, और जब वो ये पूरा जर में चली जाएगी तो आवाज़ अजीब जैसा आएगी, मतलब जैसे किसी चीज़ पे टच हो जाती है तो उस तरह आवाज़ आती है, उस तरह आवाज़ आएगी। तो छोड़ देना है इसको, अब देख लेना है इस तरह। अब इसको फिर आकर देख लेंगे कहीं पे अटक तो नहीं रही है, तो ये फ्री है, तो यहाँ वाले बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले हम इसको लाएंगे। जो नंबर को टाँका कम ज़्यादा छोटा बड़ा करने वाला है ये, उसके अंदर जाके ये गोल चक्री है फंस जाएगी। तो हम यहाँ से अगर फंस जाती है तो सही है, नहीं तो हम ऊपर से हम फंस आएंगे इसको। तो इसको हम कभी भी लगाएंगे तो इसमें कुछ निशानी रहती है। देखिए ये प्लेन है और यहाँ पे भी प्लेन है, ये देखिए। और ये इसको ऐसे नहीं लगाइएगा, देखिए इसमें एक सीधा निशान है, ये देखिए, और यहाँ पे निशान नहीं है। तो ये निशान इधर दोनों निशान में निशान मिल जाना चाहिए। तो इस तरह करके इसको फिट किया जाता है। और ये निशान है ना, ये वाली निशान आगे रहेगी, ऐसे रहेगी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह डाल देंगे। तो हम इसको सपोर्ट के लिए हम इसको बोल्ट को फंसा देंगे इसमें। ये साइड में रुके ना, इसके वजह से थोड़ा अंदर टाइट कर लेंगे। कभी कभी यहाँ पे रुक, बाहर तक बोल्ट रहेगी तो यहाँ पे रुकेगी। और ये वाले बोल्ट को हम ढीला कर लेंगे, ये देखिए। यहाँ पे जो बोल्ट दिख रही है हम इसको ढीला कर लेंगे। इसमें फंसा लेंगे। ऐसे रख लेंगे। और ये पहले सबसे पहले ये बाजू वाले बोल्ट लगा लेंगे, दूसरा ये बाजू ग्रीस लगा लेंगे, क्योंकि ये बोल्ट है ना बाद में लूज हो जाएगी, मतलब इसमें हम अटकाएंगे ना तो क्या ये आड़ा टेढ़ा घूमेगी, तो क्या बोल्ट गिरने का डर रहता है, तो ये हमारा सपोर्ट रहेगी। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे तो ये हमारा जाम हो जाएगी ग्रीस से, ये चिपका रहेगी और ये गिरेगी नहीं। और यहाँ पे भी हम ग्रीस लगा लेंगे। इस तरह करके हम उसको फंसा लेंगे।
और यहाँ से हम इसको टाइट करेंगे, सबसे पहले ओ बाजू वाला नट। तो अब क्या करेंगे, ये वाला एंगल है जो, हम इसको फंसा लेंगे, ये जो, इसको पहले हम घुमा लेते हैं चक्री को। तो ये फंस गए, एक बार चेक कर लेंगे। तो अंदर से गोल, ये जो मेन रड है जिससे पूरा इंजन चलेगी, इसको हम इसको बीच में फंसा लेंगे। ये फंस गए, तो क्या करेंगे, ये बोल्ट थोड़ा ढीला करेंगे क्योंकि ये जाम कर रही है। नीचे का हिस्सा में भी ढीला कर लेंगे। फिरने की जगह है, यहाँ पे सूख गई है, इसके वजह से थोड़ा टाइट कर रही है। तो हम यहाँ पे आयल डाल देंगे, अब फिरा कर देखेंगे। तो अभी आसानी से फिर रही है। तो हम ये बोल्ट को लगा लेंगे। थोड़ा ये लूज रहेगी, ज़्यादा टाइट, अभी इसको हम टाइट कर लेंगे। और इसको भी हम टाइट कर लेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा लूज रहेगी। अब इसका भूस डालेंगे इसमें, ये जो खांच है, और ये दो खांच, एक यहाँ पे खांच है, एक यहाँ पे है, तो इस तरह रख लेंगे। और ये जो बोल्ट है ना, ये खांच में आके बैठेगी। इसमें लूजिंग नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मशीन चलते चलते आवाज़ करेगी। तो थोड़ा हम टाइट कर लेंगे। तो अब हम इसको ऊपर का बोल्ट को टाइट कर लेंगे। तो पहले अटक रही थी, अभी कहीं पे नहीं अटक रही है। तो अभी इसको फिट कर लेंगे।
फिर रही आसानी से। तो पहले आवाज़ आ रही थी, आवाज़ भी ख़त्म हो गई है, हल्का सिर्फ यहाँ पर का आवाज़ आ रही है। तो हम इन नंबर पे जिसको कम ज़्यादा करते हैं, सिलाई का टाँका बड़ी छोटी करते हैं, ठीक है। तो नीचे का काम पूरा कंप्लीट हो गई हमारी, अभी हम लिंक से ट्विट करेंगे। तो ये इस तरह रहेगी, ये वाले बोल्ट इस तरह जाएगी, दूसरा ये इस तरह जाएगी, पहले हम इस तरह रख लेंगे, फिर हम ये लिंक सेट को अंदर डाल लेंगे। तो अभी इसको हम ऐसे कर लेंगे, और ये जो खांच है, ये जो बोल्ट है, बोल्ट के पास ये खांच रखेंगे। और यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे। एक बार फिर आकर देख लेंगे कहीं पे अटक तो नहीं रही है। तो ये अटक नहीं रही है, अब इतना पे हम रख लेंगे। हॉल है, हॉल ऊपर के साइड में रहेगी, और ये इस तरह रख लेंगे। अब ये सुई सलाई को, इसको हम पहले साफ कर लेंगे अच्छा से। और इसको ऊपर से लगा लेना है, जो सुई सिलाई के लिए सपोर्ट के लिए काम करेगी। तो ये मैं इसको लगा लिया हूँ। और इसको फंसा लेंगे बीच में, ठीक है। और ये वाले बोल्ट को हम इसमें लगा लेंगे। ठीक है, एक बार इसको फिर आकर देख लेंगे। ये दांतरी डाब रेड को, इसको भी हम साफ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये दाब रेड को भी अंदर डालेंगे। और ये खांचा में इस तरह फंसा देंगे। चेक कर लेंगे कि ज़्यादा ऊपर ना रहे, जब हम नीचे करेंगे तो ये क्या है, नीचे दबा हुआ रहे। अब जब हम इसको उठाएंगे तो पहले हम हल्का इसको बोल्ट को टाइट कर लेंगे।
तो इतना भी हम इसको शेडिंग करेंगे। अभी स्प्रिंग लगा लेंगे। अब इसको हम चलाकर देखेंगे। तो हम ये प्लेट को निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले शटल को फिट करके देखेंगे। ऐसे पकड़ लेंगे, फिट करने के बाद ही चलाएंगे हम इसको। अब इसका सुई लगाएंगे और इसका टाइमिंग मिलाएंगे। सुई में यहाँ एक तरफ का चपटा हुआ रहता है, तो ये चपटा वाला बीच सेंटर में ये खांच में फंसा लेंगे। चलाकर देखेंगे तो ये सुई में लड़ रही है। तो क्या करेंगे, ये इसमें सेटल में सुई लड़ रही है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि अब सुई टूट जाएगी। ये देखिए, तो हम इसको सुई सिलाई को थोड़ा ऊपर करेंगे। बस अब इसको टाइट करेंगे। अब देखिए, तो अब हम चला कर देख लेंगे। ऐसे एक अंदाज से, एक खांचा से हम नाप लेंगे ऐसे। कम से कम एक उंगली रहे, ठीक है, यहाँ पे एक उंगली भर रहे, इतना एक उंगली भर रहेगी। तो अब ये लग नहीं रही है, पहले जब चला रहे थे मशीन तो शटल में लग रही थी, जैसे सुई टूट जाएगी। पहले इसका टाइमिंग मिला लेते हैं। ये पॉइंट में धागा लग के बाहर आती है, तो हम पहले देख लेंगे कि सही जगह पे है या नहीं। तो जो खांचा है, खांचा के ऊपर से ये पॉइंट जा रही है, तो ये सुई रड को ऊपर करेंगे। ये वाली जो सुई रड है ना, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। खांचा के ऊपर से ये पॉइंट जा रही है,
तो खांचा के नीचे से पॉइंट जाना चाहिए था। तो थोड़ा सा हम इसको ढीला करेंगे। और थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब देख लेंगे। ये देखिए खांचा दिख रहा है। ये खांचा के नीचे से पॉइंट जाना चाहिए। ये जो ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा ये टाइमिंग पक्का रहेगी। ठीक है, तो अब हम इसको ठीक तरह से टाइट कर लेते हैं। तो ये हम सारे बोल्ट को अच्छा से टाइट कर लेंगे। लिंक सेट का और मेन, इसका मेन लट्टू है, लट्टू का अच्छा से टाइट कर लेंगे। अब दांत को फिट करेंगे। प्लेट को फिट कर लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे। तो प्लेट को उठाने दीजिए। अब सिर्फ खाली कपड़े पे सिलाई मार के देखेंगे। ये नंबर को थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि सिलाई बारीक हो रही है। नंबर खुल जा रही है। तो ये कपड़ा अभी अच्छा खींच रही है। ये नंबर एक जगह रुके तो सही रहती है। और थोड़ा हम बैक देख रहे हैं कि बैक हो रही है कि नहीं। यहाँ से बैक होना चाहिए। नीचे करने के बाद मशीन बैक होना चाहिए। तो ये बैक हो रही है और ऊपर करेंगे तो आगे जाएगी, आगे से खींचेगी, नीचे करेंगे तो पीछे भागेगी। तो यहाँ का तो सेटिंग सही है। इसका पॉइंट गया हुआ है। देखिए अब ये सिलाई कपड़ा खींच रही है। अच्छा, अब ये सामने का प्लेट लगा लेंगे। और यहाँ पर का प्लेट फिट करना है। वीडियो आज का कंप्लीट हो गया, पूरा फिटिंग मशीन का। ठीक है, कोई भी सवाल है तो कमेंट करें। अब वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें।